हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एलियट वेव पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और इनको देखने का सबसे इजी तरीका क्या है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक से टेक्निकल हम लोग एक प्रोसीजर लाए हैं जिसके अंदर हम लोग किसी भी स्टॉक या किसी भी कमोडिटी के प्राइस को हम लोग डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलियट वेव पैटर्न्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लर्निंग भी और अर्निंग भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एलियट वेव पैटर्न्स क्या होते हैं। एग्जैक्टली हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि एलियट वेव पैटर्न्स आया क्यों था और इसके बनने का रीज़न क्या था। सन 1817 से लगाकर तो 1948 तक का जो समय था, सर राल्फ नेल्सन वेव जो हैं उन्होंने ये पैटर्न डिस्कवर किया था। उन्होंने टेक्निकल एनालिस्ट को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए काइंड ऑफ अ जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन उन्होंने एस्टैब्लिश किया जिसके अंदर आप पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म को यूज़ करते हुए आप किसी भी फंडामेंटल स्टॉक को या फिर किसी भी टेक्निकल के थ्रू आप स्टॉक के पैटर्न को आप पहचान सकते थे। सो ये पैटर्न क्या है तो आज हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सिंपल आपको ये कुछ इमेज दिख रही होगी, जिगजैग टाइप का कुछ पैटर्न दिख रहा होगा आपको, अप एंड डाउन्स का। अब इसके अंदर जो एलियट वेव पैटर्न्स है इसका मेन प्रिंसिपल कहता है क्या, इसका मेन प्रिंसिपल कहता है कि जो भी स्टॉक है वो मूवमेंट करता है एक जिगजैग पैटर्न में, यानी वो अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हल्का सा वो नीचे भी आता है और कंटिन्यूसली वो एक जिगजैग पैटर्न के अंदर मूवमेंट करता रहता है। जैसे ये एलियट पैटर्न्स है, अब एलियट पैटर्न्स चलता है 5 पॉइंट्स पर, यानी 5 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 पॉइंट्स के ऊपर ये एलियट वेव पैटर्न्स हमेशा आपको काम करता हुआ दिखेगा। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, इस पूरे चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एलियट वेव पैटर्न्स भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका इंपल्सिव वेव, उधर वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है जो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिख रहा है, दैट इज द इंपल्सिव वेव। यानी ये कैसा है, ये अपवर्ड में बन रहा है। यानी देखिए आपको 5 पॉइंट दिख रहे होंगे, 1, 2, नीचे की तरफ 2 आया, उसके बाद में 2 से ऊपर, 1 से ऊपर 3, 3 के बाद में 4 और एंड देन आखिरी में जो टॉप वाला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड दी 5। सो ये इंपल्सिव वेव है। इंपल्सिव वेव आपको दिखाती है एक अप ट्रेंड का पैटर्न, ठीक है। और उसके बाद में हाफ ऑफ द चार्ट के बाद में आप एक हिस्सा देख रहे हो क्या, इसके अंदर आ जाता है करेक्शन वेव। यानी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाने के टाइम भी कहीं ना कहीं वो एक जिगजैग पैटर्न के अंदर मूवमेंट कर रहा है। जब भी ये जिगजैग पैटर्न बनते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं करेक्शन। यानी ये भी कहीं ना कहीं कुछ इंपल्सिव वेव्स के कॉम्बिनेशन से बने। यानी हम लोगों ने तो ये बड़ा वेव काउंट किया, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, ये हम लोगों ने 5 पॉइंट हम लोगों ने कवरअप कर लिए। बट जब चार्ट के अंदर हम लोग जाते हैं तो चार्ट के अंदर आपको ये ऐसा नहीं दिखेगा लाइन चार्ट, आपको कहीं ना कहीं कैंडल्स के रूप में देखते हैं और कैंडल्स में एक इंपल्सिव वेव के अंदर भी सब इंपल्सिव वेव्स बनती है। यानी मल्टीपल्स ऑफ इंपल्सिव वेव्स को मिलाकर एक इंपल्सिव वेव बनती है और जिसके थ्रू हम लोग कोई भी एक ट्रेंड को जो है वो डिराइव कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमको ये पूरा पैटर्न दिख रहा है, जब ये पैटर्न अपने टॉप पर पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सेलर्स होते हैं या फिर जो बायर्स होते हैं वो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड आता है। जो ये डाउन ट्रेंड कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन वेव्स। यानी ये करेक्शन है, इसे जिगजैग पैटर्न में भी लिया गया। अब करेक्शन वेव्स को 3 वेव के अंदर डिवाइड करके रखा है। इंपल्सिव वेव को 5 पैटर्न्स के अंदर, यानी 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करके रखा है और करेक्शन वेव को 3 पॉइंट के अंदर डिवाइड करके रखा है। करेक्शन वेव के अंदर आप देखिए सिंपल सा आपको दिख रहा है ए बी और सी, ये 3 वेव्स आपको दिख रही है। तो इन 3 वेव्स को हम लोग डिफाइन करते हैं एज एन करेक्शन या करेक्टिव वेव्स। तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है एलियट वेव पैटर्न्स। ये कहता है कि आपका इंपल्सिव वेव और करेक्शन वेव्स, इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से आपका जो है पूरा जो एलियट वेव पैटर्न है वो बना हुआ है। किसी भी स्टॉक को आपको एनालाइज करने के लिए ये 5 पॉइंट्स और 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन को आपको देखना पड़ेगा। आप अपने अगर किसी भी रेगुलर चार्ट के अंदर, वेदर वो कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट
मिनट का टाइम फ्रेम हो या फिर वो एक घंटे का टाइम फ्रेम हो, आप उस टाइम फ्रेम के अंदर आप ये पैटर्न बनाना सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्टॉक के अंदर आने वाले प्रिडिक्शंस को जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। सो सिंपल सी बात है, इस जो पैटर्न के अंदर आपको मेन चीज दिख रही होगी, एक मेन पैटर्न तो आपको दिख गया सिंपल सा 5 पॉइंट वाला, और ये करेक्शन वेव का भी 3 पॉइंट्स वाला आपको पैटर्न दिख गया ए बी सी। अब इसके अलावा भी इसके अंदर सब कोऑर्डिनेट्स और होते हैं, यानी इंपल्सिव वेव के भी सब कोऑर्डिनेट्स और करेक्शन वेव के भी सब कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि हम लोग को दिख रहे हैं पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए, मतलब जो वन पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन दिख रहा है आपको, पॉइंट नंबर वन तक पहुंचने के लिए भी इंपल्सिव वेव को 5 पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5, आप देखिए उन पॉइंट्स को देखिए आप। सिंपल सी बात है, अगर एक नीचे आपको दिख रहा होगा, आपको रोमन में दिख रहा होगा 1, अब 1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा। 3 के 2 तक जा रहे हैं तो 2 तक भी आपको कहीं ना कहीं 5 पॉइंट से होकर गुजरना पड़ रहा है आपको। तो इसका ये मतलब है कि एक इंपल्सिव वेव को बनने में भी बहुत सारी सब इंपल्सिव वेव्स लगती हैं, यानी आपको कई बार चार्ट के अंदर अप एंड डाउन्स दिखते हैं, वो अप एंड डाउन्स किस वजह से बन रहा है, वो अप एंड डाउन्स बन रहा है बायर और सेलर के रैंडमली चीजों को खरीदने और बेचने से। लेकिन जब भी ये एलियट वेव पैटर्न्स बनते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स का जो है 5 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5, 1, 3 और 5। ये जो पॉइंट होते हैं ये कहलाते हैं आपके इंपल्सिव बाइंग साइड के लिए, और पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो गया और पॉइंट नंबर 4 हो गया, ये 2 कहलाते हैं आपके आपके करेक्शन वेव्स, यानी 1, 3, 5 इंपल्सिव वेव्स हो जाती है, और उसके बाद में 2 और 4 ये आपकी करेक्शन वेव्स हो जाती है, यानी एक इंपल्सिव वेव के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं करेक्शन वेव्स आपको मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जो है ये पूरा पैटर्न बनता है, और इसी पैटर्न को बोला जाता है एलियट वेव पैटर्न। बहुत जगह बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है, यानी आपको अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिख जाता है, आप अपने ट्रेड के अंदर इस पैटर्न को अगर बनाना सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ट्रेड जो हो जाते हैं बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं, और आपको किसी भी आने वाले स्टॉक का एक पैटर्न पता पड़ जाता है। कई बार होता है कि 0.5 तक ना जाता हुए वहाँ से करेक्टिव वे में वो वापस नीचे की तरफ आ गया हो गया, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको एक बड़ा सा स्केल जो है वो डिराइव करना पड़ता है। किसी भी स्टॉक को देखने के लिए आपको सबसे पहले तो ये आपको डिफाइन करना होगा कि मैं उसको किस स्टेज पर देख रहा हूँ। मैं उसको एक सेंचुरी के बेसिस पर देख रहा हूँ, सेंचुरी यानी हो गया 50 साल, 100 साल का एक ग्रैंड सेंचुरी हो गया उसका। उसके बाद में मैं अब उसे देख रहा हूँ कि डेकेड्स के अंदर देख रहा हूँ, एक टाइम फ्रेम जो से हम लोग देते हैं किसी भी स्टॉक को जब देखते हैं तो हम लोग एक टाइम फ्रेम कैलकुलेट करते हैं। टाइम फ्रेम कैसा, 100 सालों का टाइम फ्रेम हो गया या कुछ डिकेट्स का टाइम फ्रेम हो गया कि आने वाले 40, 50 या 70 सालों तक मुझे स्टॉक का मूवमेंट देखना है कि स्टॉक ने 50 सालों के अंदर क्या मूवमेंट दिया। उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं एक प्रॉपर ट्रेंड की कि यार उसका जो प्राइमरी ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड क्या है, फिर माइनर ट्रेंड क्या है, माइन्यूट ट्रेंड क्या है, यानी हम लोग सालों से लगाकर तो एक मिनट तक के चार्ट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है एलियट वेव पैटर्न जो है ये किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकते हैं। इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर तो आपको आई थिंक सो जो 15 मिनट या एक घंटे के जो टाइम फ्रेम्स होते हैं उसके अंदर आपको इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होता है। अगर आप एक डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर हैं और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो माइट भी आपको जो है इसको बड़े स्केल पर आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा, वेदर 1 मंथ या फिर आपको 1 ईयर का जो है टाइम फ्रेम वो लेना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपके ट्रेड करने के तरीके के ऊपर कि आपको जो है ट्रेड किस हिसाब से करना है, क्योंकि ये पैटर्न्स कहीं भी फॉर्म हो सकते हैं। आप अपने डेली ट्रेड में भी ले सकते हैं, मंथली या फिर ईयरली के ट्रेड में भी ये पैटर्न्स को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को एलियट वेव पैटर्न्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जब पैटर्न आया था 1940 और 1930 के अप्रोक्स ये पैटर्न जो है रिकॉग्नाइज होना चालू हुए थे। उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस पर ये पैटर्न्स जो है इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और सक्सेसफुल तरीके से इनके थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टूल है किसी भी स्टॉक के आने वाले ट्रेंड को डिराइव करना, और विद द हेल्प ऑफ एलियट वेव पैटर्न्स। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग इसी के कुछ आगे के टॉपिक्स को कवरअप करेंगे। आप जब तक वीडियो देखते रहें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।